आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप लोगों को मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया का सबसे कठिन काम जो है ना, वो ऑर्गेनाइज करना बहुत कठिन काम है। कोई भी चीज ऑर्गेनाइज वे से करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम एक परिवार में रहते हैं, हम अपने परिवार को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आज इस जूम मीटिंग के द्वारे हम खुद को एक बार फिर से साबित करना चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज वे से कुछ करके जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन ये जो काम होगा ना, ये शुरू कहाँ से होगा? शुरू मुझसे होगा। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इस प्रोग्राम में, इस बिजनेस में मैं हमेशा ऑर्गेनाइज रहूंगा। दूसरी बात है, आज के डेट में मैं जहां तक देखा हूं, ऐसी कोई जगह, कोई डिस्कशन नहीं है जहां में दूसरों का ग्रोथ के लिए बात किया जाता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है। हर जगह देखिए, कोई बिजनेस देखिए, कोई जॉब देखिए, कोई जॉब में ये नहीं सोचता है जो मेरे बगल वाला कुर्सी में जो बैठा हुआ है उसको प्रमोशन मिले, उसको प्रमोशन मिलके वो आगे चला जाए, मैं उसको क्या कर सकता हूँ। या फिर बिजनेसमैन कोई नहीं सोचता है जो मेरे बगल वाला दुकान जो है उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, वो बिजनेस को ज्यादा ग्रो करे। कोई मदद नहीं करता है, अपना अपना एक सीक्रेसी हर कोई मेंटेन करता है। लेकिन ये एक एमवे बिजनेस ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपको ये बताया जाएगा जे आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ लोगों को सफल करना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कीजिएगा ना, तो आप सफल नहीं होइएगा। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस को मैं किस तरह से बिल्ड किया हूँ। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे लिए एक रिलीजियन है। मैं समझता हूँ, मैं मंदिर जाना और इस बिजनेस मंदिर में जाके पूजा करना और इस बिजनेस का एक्टिविटी किसी को बताना बराबर का बात है। सो फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग यहाँ में आए इस जूम में है, या फिर बहुत लोग शायद ये सोच के नहीं आया होगा जे हो, क्या बोलेगा। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ जे सबको ही इस बात को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझे। सो आज कोई भी आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, अगर सिग्नेचर किया है तो ये दिमाग में रख के सिग्नेचर किया है जे मुझे इस बिजनेस से पैसा कमाना है, ये रख के किया है। आज मैंने इस बिजनेस को मोर देन 15 ईयर कर रहा हूँ। 15 साल जिंदगी का, एक आदमी का जिंदगी का 15 साल किसी चीज में डाल देना, ये कोई मामूली सा बात नहीं है। ये बहुत बहुत ज्यादा मैंने अहमियत रखता है किसी के लाइफ में। सो 15 साल में मुझे जो मिला इस बिजनेस से, मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो उससे कम समय में इस बिजनेस में बहुतों का बहुत कुछ मिला। मुझे क्यों नहीं मिला, मैं जब सोचा हूँ इस चीज को पीछे जाके, तब मुझे कुछ चीज दिखने में आया जो चीज आज इस जूम के द्वारे हम सबको बोलना चाहेंगे। पहली बात यह है, आपको ये बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है ना, इसको समझना जरूरी है। ये बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या बताता है आपको? जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय इस बिजनेस में जो शुरुआत का लेवल था 3% हुआ करता था, और वो होता था 100 PV पे। 100 PV होने पे कि कोई अगर 6% अचीव करने से उनको कमीशन मिलता था, 135 रुपया, 40 रुपया, 150 रुपया कमीशन मिलता था। लेकिन आज का डेट में इस बिजनेस में आपको अगर 3% अचीव करना है तो आपको 200 PV करना है। 200 PV करने से आपको कमीशन कितना मिलेगा? अगर आपको मालूम है इस बिजनेस को कैसे करना है तो आपको 3000 रुपया मिलेगा। आप सोच के देखिए, हमारी कंपनी हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। कंपनी का जो प्रोग्राम था, जो प्लान था, उस प्रोग्राम में कंपनी देखा है, मैं एक समय 3% में देके देखा हूँ 150 रुपया। लोग उतना प्रोत्साहित नहीं होता था। आज कंपनी सोचा है मैं 200 PV 3% में दूंगा एक आदमी को 3000 रुपया। अभी सवाल ये आता है, आप ये 3000 रुपया कैसे कमाइएगा? इसको कमाने के लिए 3000 रुपया आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है? अगर कुछ अहमियत रखता है ना, तो आपको कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। लोग ये समझता है इस बिजनेस में, मेरा पिन अचीव हो जाए मेरे डाउनलाइन का पीवी से। मैं कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके रखा हूँ, उन लोगों के द्वारे मेरा पीवी में अचीवमेंट हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, एक स्टोरी आप लोग सुने होंगे, जो एक बार ऐसा हुआ था, किसी गाँव में बहुत बड़ा महामारी आया था। किसी ने बताया जे आप लोग अमावस्या का रात को वो जो गांव के सामने जो कुआं होता है ना, उसमें आप लोग जाके एक एक गिलास दूध डालिए। हर आदमी सोचा है जे हमारा एक एक गिलास दूध से क्या फर्क पड़ने वाला है। हर कोई ने क्या किया,
सोचा है अंधेरा में कोई कोई नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं जानता है, कोई दिखेगा भी नहीं, सब कोई अपने अपने हिसाब से उसमें पानी डाल दिया एक एक गिलास। नेक्स्ट डे सुबह जब देखा गया है उस कुआं में, तो क्या मिला उसमें? पानी ही मिला, दूध तो नहीं मिला ना। यानी कि अगर इंसान इतना समझता मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर लूंगा, कुछ तो फर्क पड़ता ना। 50% भी करता तो कुछ तो फर्क पड़ता। हमारे बिजनेस में भी यही चीज है। आज आप अगर अपने बलबूते अपने कैपेसिटी से अगर 3% जा सकते हैं तो आप 3,000 रुपया पाइएगा। अगर ये चीज आप एक पैटर्न बनाते हैं, ये एक फॉर्मूला बनाते हैं हाउ टू अचीव 3%, यानी कि एक 3% अगर आप करना है 200 PV, आपको करना क्या है, आपको पीवी को अपना प्रिफर्ड कस्टमर के द्वारा जनरेट करना है। अपना जो प्रिफर्ड कस्टमर होगा ना उसके द्वारा जनरेट करना है। यानी कि हमको ऐसा आदमी स्पॉन्सर नहीं करना है जो शुरू में, बाद में जरूर करना है, शुरू में जो ये टारगेट करे जो हमको इस बिजनेस में 3% अचीव करना है। आप ऐसा कस्टमर को, ऐसा आदमी को स्पॉन्सर कीजिए जो आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहेगा। यानी कि कस्टमर को स्पॉन्सर कीजिए। जब आप 200 PV का कस्टमर स्पॉन्सर कीजिएगा ना, आपके पास 300 PV आएगा, 3,000 रुपया आएगा। ये चीज मैं आपको मेटेरिस्टिक तरीका से नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे ग्रुप में ये चीज करके देखा हूँ। कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे भी है जो 3-4 साल से बिजनेस में है, इसी सितंबर का बात बोल रहा हूं मैं आपको, 3-4 साल से है लेकिन कोई पिन अचीव नहीं कर रहा था। हम लोगों ने एक मास्टर प्लान बनाया उनके लिए, एक प्लान बनाया, उनको सारा बात बताया नहीं, उनको जाके एनकरेज किया, रेगुलर एनकरेज किया जो आपको पीसी के द्वारे 300 PV करना है। और हमारे एनकरेजमेंट के साथ साथ उन्होंने काम कर गया, जब खत्म हो गया वो 3% अचीव कर लिया। लेकिन जब उनको पैसा आया ना, उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। आप किसी भी आदमी के पास जाके बात बोल बोल कर, समझा समझा कर, बहुत ज्यादा देर तक उसको मोटिवेट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन उसका शरीर में बहुत ज्यादा देर काम नहीं करेगा। लेकिन पैसा एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। वो आदमी अभी हमको अलग निगाह से देखती है, जो आदमी 3% अचीव करके 3,000 इनकम किया ना, हमको एक अलग निगाह से देखते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करता है जहां फिर से कुछ ऐसा करूं उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए। ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं, ये चीज बहुत आदमी के साथ हम लोग करके देखा है इसको। अभी सवाल ये आता है, आपके ग्रुप में अगर ब्रांड न्यू 3% नहीं होगा, आपके ग्रुप में कोई 6% नहीं होगा, आप भी 6% नहीं हो सकते हैं। अगर आप 6% नहीं होइएगा, आप 9 भी नहीं हो सकते हैं, 12 भी नहीं हो सकते हैं, सिल्वर भी नहीं हो सकते हैं। सो इस बिजनेस का जो मूल बात है, आप एक गोल सेट करना है जो हमको सबसे पहले अपना खुद का जो सर्कल है उसको सही करना है। सही कैसे करना है? हमको 200 PV जनरेट करना है। हमारे ग्रुप में कोई भी आदमी कुछ भी करे, हमारा एबीओ डाउनलाइन, हमको वो अलग बात है, लेकिन हमको शुरू में खुद का 200 PV जेनरेट करना है थ्रू प्रेफर्ड कस्टमर। जब हम 200 PV जेनरेट करेंगे, हमारा जो मूवमेंट होगा, जो मोमेंटम होगा ना, हमारा डाउनलाइन जो दिखेगा उसको दिखेगा जो हमारा अपलाइन कुछ कर रहा है, उनका साथ कुछ प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आदमी से बात हो रहा है, वो देख के वो आदमी मोटिवेट हो जाएगा डाउनलाइन। क्योंकि इस दुनिया में देखा गया है, लोगों का शिकायत ये नहीं है जो हमारा कपड़ा इतना मैला क्यों है, हमारा शिकायत यह है हमारे बगल वाला का कपड़ा इतना साफ क्यों है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमको प्रॉब्लम ये नहीं है जो हमारे हम किस तरह का घर में रहते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है हमारा बगल वाला इतने सुंदर घर में कैसे रहते हैं। हमको प्रॉब्लम ये नहीं है जो हमारा गाड़ी कैसा है, हमारा प्रॉब्लम ये है हमारा जान पहचान का आदमी इतना सुंदर कार कैसे चलाता है। ये एक आदमी का जनरल बात है, कोई भी आदमी जनरल बात है। अगर मान लीजिए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, एक चीज का प्रूफ बताता हूँ आपको। एक तो ग्रुप फोटो का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें 20-25 आदमी है, उसमें आप भी है। वो फोटो जब आपके हाथ में मिलेगा ना, सबसे पहले आप किसको देखिएगा? खुद को देखिएगा ना। उस सारा फोटो में सबसे पहले खुद को ढूंढ के निकालिएगा आप कहाँ पे हो। यानी कि हम लोग सेल्फ सेंटर है, जैसे हम लोग सेल्फ सेंटर है ना, वो दूसरा भी सेल्फ सेंटर है। आप कुछ ऐसा कीजिए, मोटिवेटेड कुछ ऐसा काम कीजिए जो दूसरा देख के वो भी सेल्फ सेंटर होकर वही काम करना चालू कर दे।
अब मेरे बात में जो आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। दूसरी बात है क्या, आप हर आदमी सोचता है इस बिजनेस में मैं सिल्वर हो जाऊं गोल्ड प्लेटिनम हो जाऊं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं अगर आप खुद कॉन्टिन्यूसली 6 महीना तक 3% जा सकते हैं तो आपको ये चीज का गारंटी हो गया। आप किसी भी आदमी को कैसे 3% जाना है आप सिखा सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में टोटल 50 आदमी ट्रेंड हो जाए, मान लीजिए आज मेरे ग्रुप से अगर 50 आदमी ट्रेंड है जो 200 बीबी जनरेट करना है, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, हो सकता है मेरे 3 लेग 4 लेग में हो सकता है मेरे 5 लेग में हो, कैसे भी हो, अगर 50 आदमी का ये कमिटमेंट हो जब मैं 200 बीबी जनरेट करूंगा विथ मेरा खुद का कंजम्पशन और मेरा प्रेफर्ड कस्टमर का कंजम्पशन लेके, तो 50 आदमी का जो वॉल्यूम होगा ना वो 10,000 पीवी होगा। और वो 10,000 पीवी में जो आदमी इसको ऑर्गेनाइज करेगा उसको 1 लाख से ज्यादा पैसा मिलेगा। आज हो सकता है हमारे बीच बहुत लोगों का पास बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ है, लेकिन आप सोच के देखिए इस तरह से आपको कभी 1 लाख रुपया कमाने का अपॉर्चुनिटी है क्या? अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है, अगर नहीं है उस स्थिति में मैं समझता हूँ क्या, आप एक बार अपने अपने जो अपलाइन है जिनसे आप बात करते हैं इस बिजनेस के विषय में, आप उनसे मिलिए, उनको पूछिए जो दीपक गुप्ता जो बता रहा था 200 बीबी उसको मैं कैसे करूंगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो ये है, आप किसी भी आदमी को अगर बिजनेस अप्रोच कीजिएगा ना, हो सकता है बहुत चांस है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे दे, लेकिन कोई भी आदमी को आप अगर उसका हेल्थ के विषय में बात कीजिएगा, उसका ब्यूटी के विषय में बात कीजिएगा, उसके घर का साफ सफाई का विषय में बात कीजिएगा ना, तो वो आपको सुनेगा। क्योंकि हर इंसान ये बिजनेस करने का उसका दिमाग में हो या ना हो, उसका दिमाग में इनबिल्ट कुछ खरीदने का एक ठो प्रोग्रामिंग है, हमको कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं उसको खरीदूंगा। इस तरह से जब एक आदमी को आप मोटिवेट कीजिएगा ग्लिस्टर के लिए या फिर डिसड्रॉप के लिए या फिर न्यूट्रीलाइट डेली के लिए या फिर हम लोग का जो चेरी आयरन है उसके लिए, तो वो क्या होगा, अपना दिमाग को ओपन करेगा, और जब दिमाग को ओपन करेगा ना वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। हमारा मुश्किल क्या है, हम किसी भी आदमी को अप्रोच करते हैं ना, हमको डायरेक्ट हम हिट करते हैं वो हमारा एबीओ बन जाए, हमारा डाउनलाइन बन जाए और मेरा होके वो पीवी जनरेट करे। डियर फ्रेंड ये कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। उस गांव की कहानी याद कीजिए, एक गिलास दूध ढालना था लेकिन लोगों ने पानी ढाला उसमें। एक बार आप करके देखिए जो आपके साथ में ये चीज आपके ग्रुप में कोई आदमी करना चाहता है कि नहीं चाहता है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मेरा कस्टमर है वो मेरे से चेरी आयरन लेता है। वो क्या किया, हमको बताया पहले बहुत दिन बताया जो हमारा आयरन का बहुत प्रॉब्लम है, हमारा आयरन के लिए ये होता है। मैं उसको कभी डायरेक्ट नहीं बोला हूँ आप मेरे आयरन खरीदो, मैं उनको पूछा हूँ आपने कभी मेरे ये एमवे का आयरन आपने इस्तेमाल किया है क्या, बोला ना नहीं किया हूँ, बहुत महंगा है ये कैसे होगा। मैं तो उनको कैलकुलेशन करवाया हूँ जे ये एक इस डिब्बा में इतना टेबलेट है, इसको आप इतना भाग लगाइए आपका पार टेबलेट इतना गिरेगा। जब उनको पार टेबलेट बताया ना तो उन्होंने किया कि अपना जो टेबलेट जो डॉक्टर का लिया हुआ खाता था ना वो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके देख रहा है पार टेबलेट का दाम हमारा कम है उनसे। दूसरी बात है मैं उनको बोला हूँ आपका जो आयरन खा रहे हैं वो आपके शरीर में 100% एक्सेप्ट करता है क्या, वो बोलता है नहीं करता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। मैं बोला हूँ हमारा प्रोडक्ट आपका शरीर में एक्सेप्ट करेगा, 100% एक्सेप्ट करेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तब क्या किया वो मुझे, उन्होंने मुझे बोला जो मेरे पास कुछ टेबलेट है मैं खा लेता हूँ खत्म करता हूँ फिर मैं लूंगा। उन्होंने मैं उनको प्रेशर नहीं किया, आज ही लीजिए नहीं किया हूं मैं उनको, जस्ट मैं बोला हूँ ठीक है आप जब लीजिएगा मुझे बताइएगा। मैं मिलता हूँ उनको मिलता हूँ मैं, लेकिन उनको मैं प्रेशर नहीं किया हूँ। एक दिन खुद बोला मुझे आपका जो आयरन है ना वो मुझे दीजिएगा एक ठो, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए मुझे उसको कुछ नहीं बोलना पड़ा, एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ा। मैं उनको सिर्फ इतना सा बोला हूँ, वो मुझे सिर्फ इतना बोली जे मेरा टेबलेट और जाएगा 3-4 दिन मेरे लिए लाके दीजिएगा। अब हमको ये बताइए
उस कस्टमर को मुझे खो देना है ना हमेशा के लिए रखना है, ये डिसीजन किसका होगा? ये मेरा डिसीजन होगा ना। मैं उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया हो, उसके साथ में मेरा रिलेशन अच्छा होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन अच्छा होते जा रहा है, एक दिन उसको बोलूंगा तुम प्रेफर्ड कस्टमर बन जाओ, मेरा प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएगा, फिर बताऊंगा इस प्रोडक्ट को बेचने पे आपको इतना पैसा मिलेगा, आप एबीओ बन जाओ और किसी को प्रेफर्ड कस्टमर बनाकर आप प्रोडक्ट दो। ये छोटा सा स्टेप है ना, इसको आप मल्टीपल वे से कीजिएगा, 30 दिन कीजिएगा। और कैसे कीजिएगा, ऐसा नहीं है एमओए करने के लिए आपको कोई अलग से टाइम लेना पड़ता है। लोग सोचता है, बोलता है मेरे पास तो टाइम नहीं है। हाँ सही बात है, आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने एक शेड्यूल टाइम में काम करते हैं। अगर आप दुकानदार है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकान करते हैं, आपके पास समय कहाँ है? आप अगर जॉब में है तो आप 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जॉब में जाते हैं, आपके पास टाइम कहाँ से है? लेकिन डियर फ्रेंड, ये बिजनेस का जो असली बात है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस अपॉइंटमेंट के बेस पे होता है। आप किसी भी आदमी से चलते फुरते कहीं भी रहिए, उनसे बात कीजिए, अगर आपका बात सुनना चाहता है ना, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट कब लीजिएगा? जब उनका एक्स्ट्रा टाइम होगा, आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसको मिला के उनको अपॉइंटमेंट लीजिए। आप नहीं जा सकते हैं, आपका टीम का कोई ना कोई जाएगा, वहां जाके ऑन बिहाफ ऑफ यू आपको उनको प्रोडक्ट के विषय में समझाएगा, बिजनेस आपका होगा। इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज हुए से अपना 200 बीपी जनरेशन सीख जाइएगा, तो मैं समझता हूं आपका ये मॉडल देख के कोई भी आदमी आपको कॉपी करना चाहेगा। और असल में लोग कॉपी करता ही है। आप एक बार सोच के देखिए, आपके नीचे जितने भी डाउनलाइंस है, वो आप ही को कॉपी करता है कि नहीं करता है? वो आपको देखता है। मेरा साथ में बहुत ऐसा डाउनलाइन है जो मुझे कॉपी करता है, मेरे जैसा बात करना चाहता है, मेरे जैसा प्रोडक्ट डेमो करना चाहता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कस्टमर बनाना चाहता है, रिलेशन बनाना चाहता है, मेरे से कॉपी करता है। तब मैं समझता हूँ वही लोग सही आदमी है जो मुझे कॉपी कर रहा है। अब आप ये सोचिए, आपको अगर कॉपी किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको जेरोक्स मशीन में जेरोक्स करना है, कोई डॉक्यूमेंट जेरोक्स करना है, अगर पेपर अगर व्हाइट होगा तो जेरोक्स का फाइनल कॉपी क्या निकलेगा? व्हाइट ही निकलेगा। लेकिन उसमें बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, कोई गीता का श्लोक लिखा हुआ है, आगे क्या आएगा? गीता का श्लोक ही आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस चीज को करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हम लोग चाहते हैं ये जो हमारी छोटा सा प्रयास है इस जूम का द्वारे, वो कहीं भी हो आदमी, किसी भी जगह हो, कुछ भी करता हो, उनसे कनेक्ट करके हम इस प्रोग्राम को आगे बहुत दूर ले जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में एक चीज बहुत ही अच्छा चीज है, हम लोग ऑनेस्ट आदमी हैं, हम लोग दिल से अच्छे आदमी हैं, हम लोग दिल से लोगों से प्यार करते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, लोगों को कुछ देना चाहते हैं। हमारे प्रोडक्ट सेल का मकसद ये नहीं है हमको प्रोडक्ट सेल कर, हम खुद का प्रोडक्ट हमको सेल कर हमको गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, ये नहीं है। हमको एक ही मकसद है, जो उनको मैं प्रोडक्ट दूंगा उनको फायदा होगा, जब फायदा होगा हमारा रिपीट ऑर्डर होगा, और एक दिन जाके हमारे पास 50 कस्टमर हो जाएगा। हमको किसी को बोलने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ लोगों का फोन रिसीव करना पड़ेगा और उनका सुनना पड़ेगा उनका क्या प्रोडक्ट चाहिए। इस तरह से अगर आपके ग्रुप में 50 आदमी हो जाए, उस दिन आपका 21% 100% श्योर है। और इस तरह से अगर एक टीम में 21% अचीव किया जाएगा, तो उस टीम में कभी डीग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने 1000 पीवी कर दिया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने 600 पीवी किया, ऐसा नहीं है। करके घर में सामान रख दिया और नेक्स्ट महीना बता रहा है मेरे घर में तो प्रोडक्ट है, मैं इस महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, आपका बिजनेस वोलेटाइल हो जाएगा, अप्स एंड डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास कस्टमर बेस होगा ना, तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ में रहेगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा होने से भी ऊपर जाएगा वो। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इस बिजनेस को करने के लिए बहुत बड़ा माइंड सेटिंग चाहिए। माइंड सेटिंग, ये जो माइंड सेटिंग है ना, ये आपके दिमाग से आप वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप किसी के पास समर्पण कीजिए, सबमिट कीजिए। हम जब भगवान के पास जाते हैं ना, उनको हम कभी देखे नहीं है, कभी उनको हम महसूस नहीं किए हैं, सिर्फ हमारा विश्वास है,
हमारे मन की आस्था है, जब भगवान के पास जाकर एक धूप जलाएंगे और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे जे हे प्रभु मेरे जीवन से ये जो कष्ट है इसे दूर करो, प्रभु कभी कष्ट दूर नहीं करेगा, वो आप ही को सोचना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपके एलओएस में, आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऐसा कोई आदमी है जिसको आप मानते हैं, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, आप उनसे बैठिए, बोलिए जो कल बता रहा था दीपक गुप्ता मुझे ये चीज करना है, वो चीज मुझे सिखाइए कैसे करना है। लेकिन ये चीज करते करते अगर महीना में आप 500 पे भी कर रहे हैं ना, तो शायद आप भटक जाइएगा। अब मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर बताया था आज दो दिन पहले, हर दिन मैं 1,000 रुपया का सामान बेचूंगा, यानी कि महीना में वो 30,000 रुपया का सामान बेचना चाहता था। तो मैंने उनको बोला क्या, डियर फ्रेंड ये चीज मत करो, ये चीज मत करो, आप महीना में 10,000 रुपया का सामान ही बेचो, लेकिन एक आदमी को जरूर इस बिजनेस के विषय में बताओ, यानी कि महीने में आप 30 आदमी को बताओ। अगर महीने में वो 30 आदमी को बताएगा इस बिजनेस के विषय में, कोई ना कोई तो जुड़ेगा ना उसके साथ, यानी कि 1-2 महीना के अंदर में उसका 50-60 हजार रुपए का वॉल्यूम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। लेकिन वो खुद कोशिश करता ना तो साल भर में भी वो 60 हजार का जनरेट नहीं कर सकता था, वो और 3,000 का 1,000 करके 30,000 रुपया उतना ही रह जाता। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस जूम का स्क्रीन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और नॉलेज आपके जीवन में, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। हम आपको बता सकते हैं जे ये कैसे होगा, क्या करने से होगा, कि हम चाहते हैं क्या, हमको एक कस्टमर मिलता है ना, हम चाहते हैं, वो बोल रहा है जे मुझे एक टू प्रोटीन चाहिए, हम उसको प्रोटीन देते हैं, साथ में कोशिश भी करते हैं कि उसको एक टू न्यूट्रिला डेली पकड़ा दे। ये जो एटीट्यूड है ना, हमको छोड़ना पड़ेगा, उसको उसका साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा थ्रू दिस प्रोटीन पाउडर, और आगे जाके उनको नॉलेज देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सिर्फ प्रोटीन नहीं, हमारे बॉडी के लिए विटामिन मिनरल्स भी जरूरत है। जब हम इस तरह से 1 by 1 हम आगे जाएंगे ना, हमारा बहुत अच्छा बिजनेस होगा। सो